क्यों आई तू यहाँ? आई मैं कंपनी की तरफ से आई हूँ। कंपनी का नाम ऐसे ले रही है जैसे भगवान का मंदिर, जहाँ शैतानों की टोली रहती है जिन्होंने मेरे बेगुनाह बच्चे को सलाखों के पीछे डाला। आई, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आपका गुस्सा भी बिल्कुल जायज है और कंपनी को इस बात का एहसास है, इसलिए मैं वकालत करने आई है ना? नहीं आई, मैं ये लेकर आई। क्या है ये? ये आपका हक क्या है? हम जानते हैं कि इस वक्त आप और मानव बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं और आप लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए कंपनी अपनी तरफ से आपकी मदद करना चाहती है। और जब तक मानव जेल से वापस नहीं आ जाते तब तक कंपनी आपकी जिम्मेदारी लेती है, और कंपनी ने ये बेचा है आपके लिए। अच्छा, एक बात बता, ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है? अरे बोल ना, कैसी लग रही है मेरी साड़ी? अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी है ना? हम भिखारियों की तरह तो नहीं जी रहे ना? हाँ? नहीं आई। तो ये तूने फेंके हुए टुकड़े पर हम जिए ऐसा तू समझती है क्या? आई, तू एक बात बता, ये भीख काय के लिए तू लेके आई? आई, ये आप मुझे गलत समझ रही है। मैं सब सही समझ रही हूँ। तुमने कंपनी के इतने सारे पैसे लाके मुझ पे उड़ाए ना, तो भी मेरे मानव की बराबरी नहीं कर सकते। नहीं। समझी ना तू? मेरे बेटे को तुमने अपने स्वार्थ के लिए जेल में डाला ना? नहीं आई। सुन, मैं लालची हूँ, लेकिन इतनी भी लालची नहीं हूँ कि मेरे बेटे का मैं सौदा करूँ। मेरा गुस्सा बढ़ने से पहले तू यहाँ से चली जा, वरना मेरे मुंह से कुछ भी भला बुरा निकलेगा। निकल जा। अरे धर्मेश, तुम कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं जरा वागले स्टेट जा रहा था, वहाँ ऑफिस का कुछ काम निकल आया था। अच्छा विनोद, काफी दिनों से मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। क्या हुआ विनोद? तुम अर्चना को समझाओ यार। देखो, पिछले कई दिनों से वो हर चीज पर जिस तरह रिएक्ट कर रही है वो सही नहीं है। विनोद, मैं जानता हूँ कि अर्चना के मन में मानव के लिए क्या है, लेकिन मानव अब उसका अतीत है और जयवंत जो है जैसा है उसका फ्यूचर है। अर्चना की बाकी की सारी जिंदगी जयवंत के साथ जुड़ चुकी है विनोद, और अगर वो जयवंत के साथ ही इस तरह कटाकटा सा बर्ताव करेगी तो सॉरी टू से विनोद, लेकिन जयवंत और उसके परिवार वाले अर्चना के इस बर्ताव से बिल्कुल खुश नहीं है। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझता हूँ। कई दिनों से अर्चना का बर्ताव मुझे भी खटक रहा है। मानव की गिरफ्तारी को लेकर वो जिस तरह रिएक्ट कर रही है वो मुझे भी पसंद नहीं है, और ना ही मैं उसके फेवर में हूं। आजकल तो हालत ऐसी है कि वो किसी की कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अर्चना से एक बार फिर बात करूंगा। लो, बातें करने के चक्कर में हम यहीं खड़े के खड़े रह गए। आओ, मैं तुम्हें वागले स्टेट छोड़ देता हूं। अरे धर्मेश, मैं चला जाऊंगा। तुम विनोद, मैं वहीं जा रहा हूं। आओ प्लीज प्लीज। ठीक है। एक विस्की डबल लार्ज। थैंक यू। सर,
सतीश हम शादीशुदा लोग हैं, हमारी गृहस्थी, कल को अगर हम अंदर चले गए तो उनका ख्याल कौन करेगा? तेरी फैक्ट्री से ज्यादा ना मुझे तेरी फिक्र हो रही है, कहीं इन सारे झमेलों में तू मुश्किल में ना आ जाए। कोई भी कदम उठाने से पहले ना एक बार अपने परिवार की तरफ देख लेना, जहाँ तेरे आई बाबा है, तेरी पत्नी है, तेरा होने वाला बच्चा है। सतीश एक आपी है जो मानव को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू। ओह सॉरी, पता नहीं कहां कहां से पीने के लिए चले आते हैं। ए क्या बोला? हाँ देखा, मैंने धक्का लगा, गलती से लगा, जानबूझ के नहीं मारा। क्यों इस बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे? ये गलती इंसान से ही होती, कभी जानबूझ के होती है, कभी गलती से गलती होती है, कभी मजबूरी में गलती होती है, मुझसे भी। मैंने भी मजबूरी में आकर के पेपर साइन किया, क्या करता और कोई चारा नहीं, वहां नहीं होता, इंसान मुझे भी डर लगता है। अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, और उन्हें मैं प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। क्यों? जो गलती हुई, अरे बोला ना कि मानो कि फैमिली का सारा खर्चा मैं उठाऊँ। तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ बात करता है। एकदम कमाल का लड़का, पूछ क्यों? नहीं पूछेगा, मेरे को मालूम था। चल, तेरे बिना पूछा ये अपन बोलता है कि तू कमाल का लड़का क्यों है। देख, मेरे को पता है तू बात किए बिना अखा दिन निकाल सकता है, लेकिन मेरे को देख, मैं अगर एक भी मिनट बात नहीं करूं तो ऐसा लगता है जैसे बरसों से मैंने मुंह नहीं खोला। हाँ यार, मुझे तो कभी कभी डर लगता है तू अगर कब्रिस्तान जाएगा ना तो वहां के सारे सोए हुए मुर्दों को जगा देगा। अरे यार, तेरे को हंसने से एलर्जी है क्या? क्या होता है तू इतना खामोश और उदास क्यों रहता है? चल मत बता, लेकिन अपुन आज तेरे को हंसाकर ही दम लेगा। सुन, एक जोक बोलता है। हाँ बोलना। बीवी को खुश करने का सबसे आसान तरीका कौन सा? क्या दे? अपना मुंह बंद रखने का, चेकबुक का खुला। क्या? की जमानत के लिए हमने जितनी कोशिशें की सब बेकार गई, फिलहाल उसकी रिहाई का कोई आसार भी नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि हमें मानव और श्रावणी की शादी पोस्टपोन करनी होगी। बागे बागे जैसी बप्पा की मर्जी। उसका नाम मत लो, नाम मत लो इसका। 10 दिन हमारे घर में थे, इतनी अच्छी सेवा की, इन्हीं दिनों में मेरा मानव जेल में गया, लेकिन छोड़ नहीं पाया तू। मेरा मन हवा सड़ रहा है, कल से तेरी पूजा नहीं होगी हमारे घर में, नहीं होगी, नहीं करूंगी पूजा, मैं देखूंगी तक नहीं। अरे पापा, मैं तो आपकी लीला समझ ही नहीं पाया, आपने मानव को गिरफ्तार करवा कर उसकी और श्रावणी की शादी रोक दी। इसका मतलब ये गिरफ्तारी अर्चना और मानव के मिलन का संकेत दे रही है। धन्य हो बापा, आपकी लीला ब्रह्मांड है। जो आप अच्छा करते हो वो तो अच्छा है ही, लेकिन जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो बुरा हुआ उसमें भी अच्छाई छुपी होती है। गणपति बापा मोरिया।
भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे तुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। छोड़ना अर्जुन, मुझे अब इन सारी चीजों की आदत हो गई। आई प्लीज ऐसा मत बोलना। जब भी मानव की बात आती है तो अचानक से बदल जाती है, पता नहीं तुझे क्या हो जाता। मानव के आगे तुझे कुछ दिखता ही नहीं, यहाँ तक कि तुझे अपनी आई भी मायने नहीं रखती। आई तू ऐसे क्यों बोल रही है? अरे मानव की एक अपनी जगह, तेरी अपनी जगह, तुम दोनों की एक दूसरे से कोई तुलना ही नहीं। आई आई आज भी अगर तू मुझे कोई बात कहती है ना तो मैं वो सर आंखों पर रखती हूँ, लेकिन अगर तू मुझसे ये कहेगी कि मैं मानव का साथ छोड़ दूं और उनकी कोई मदद ना करूं तो आई ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर तलाक क्यों लिया उससे? एक तरफ तुम महान बनने की कोशिश कर रही है अर्जुन, और दूसरी तरफ मानव और श्रावणी के बीच की रुकावट बन रही है। जयवंत से जो शादी का वादा किया था ना उससे मुकर रही है। इससे ना ही तुम मानव को पा सकोगी और ना ही जयवंत को। भाई अगर मानव को ही पाना मेरा मकसद होता ना तो ये मकसद मैं कब का पूरा कर चुकी होती। लेकिन हम दोनों अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसानियत का फर्ज भूल जाऊं। नहीं आई, अब चाहे इसकी मुझे जो भी सजा मिले मैं मानव को जेल से छुड़वा कर ही रहूंगी। अरे सतीश, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बात करनी है। सतीश प्लीज जाकर अपनी आई को समझाओ। मैं समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वो है कि समझने का नाम ही नहीं लेती। कितने तरीकों से समझा चुकी हूँ लेकिन वो एक ही रट लगा कर बैठी है। तुम जॉब मत करो, जॉब छोड़ दो, बच्चे पर ध्यान दो। अब बच्चे की होने वाली आई मैं हूँ, क्या मुझे उसका ख्याल नहीं होगा? लेकिन उसे इस बात पर विश्वास होने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम प्लीज जाकर एक बार उनसे क्या नहीं मैं करूँ क्या? तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे झगड़े, उन्हें सुलझाने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? अरे मेरी भी तो अपनी जिंदगी है, उसमें भी परेशानियां हो सकती है। एक बेटा, एक पति होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, मुझे मेरी भी जिंदगी जीने दो। कभी सास अपनी शिकायत लेके आती, कभी बहू लेके आती, तुम दोनों की आपस में नहीं जमती तो मैं क्या करूं? मैं क्यों बीच में पिस रहा हूं? लेकिन सतीश, अच्छा प्लीज अपनी परेशानियां खुद सॉल्व करो। जाओ पानी हुआ? नहीं। बेटा तुझ्याशी जरा बोलायचं होतं। बोलाय। बेटा तुम तो जानते हो कि हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस शादी के लिए हाँ कही। अर्चना की सच्चाई जानते हुए भी हमने उसे नजरअंदाज कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें पसंद है। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज जो अर्चना का बर्ताव मैंने देखा, मैं तो उसे सहन नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम ही बताओ इसमें हमारी क्या गलती है? अगर उसे मानव के साथ ही रहना है तो उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों कही? क्यों वो हमारे भावनाओं के साथ खेल रही है? लेकिन आई हुआ क्या है बताना। आज मैं अर्चना के घर गई थी। अगर आप ये चाहती मैं मानव से मिलना छोड़ दूं या फिर उनकी मदद ना करूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं मानव को इन हालातों में अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। उसकी नजर में मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। जो लड़की अभी से अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करती है वो शादी के बाद क्या करेगी? मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं। पंटूजा का है, तुझे तो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है।
अगर ऐसे ही रवैया रहा तो तेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा रे। आई तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अर्चना को भी समझा दूंगा। क्या समझा देगा तू? जयवंत इतनी नरमाई से मत पेश आओ, थोड़ा तो सख्त बनो। अब दोबारा से तुम्हें इन चीजों के बारे में अब सोचना ही पड़ेगा, वरना इतने सालों में तुमने जो मेहनत से कमाया है उससे नीचे उतरते देर नहीं लगेगी। आई फैक्ट्री का मामला दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है, तुम पर भी तो आफत आ सकती है। दो मजदूरों की मौत हुई है और मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतनी आसानी से शांत होगा। और मानव को बचाने के लिए अर्चना किसी भी हद तक जा सकती है, अपनी मर्यादाओं को भी तोड़ सकती है। देखो बेटा, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। आप दादा के लिए प्लीज कुछ कीजिए ना, आपकी इतने बड़े बड़े लोगों से पहचान है, आपको कंपनी लॉ के बारे में भी कितना कुछ पता है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप दादा के लिए कोई हल निकालेंगी तो दादा जेल से बाहर जरूर निकल आएंगे। देखो वंदिता, जो कुछ हुआ है मेरे आंखों के सामने हुआ है, मानो अगर निर्दोष भी हो फिर भी उसे जिस खूबी से इस मामले में फंसाया गया है, मुझे तो लगता है उसका जेल से छूटना नामुमकिन ही है। लेकिन आई दादा ने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है। तेरे कहने से क्या होता है वंदिता, पुलिस को कोर्ट को सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, और वो इस वक्त मानव के खिलाफ है। लेकिन आई प्लीज आप कुछ तो कीजिए, आप दादा को बाहर निकाल सकती है, प्लीज आई प्लीज आप आई प्लीज कुछ तो कीजिए ना। आई बंधु ये रोया वोया मत कर मेरे सामने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुझे पता है। ठीक है बाबा, हाँ कोशिश करूंगी, लेकिन कितनी सफलता मिलेगी मुझे पता नहीं। आई आप कोशिश करेंगी मेरे लिए उतना ही काफी है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप में इतनी काबिलियत है कि आप अपनी कोशिश को कामयाबी में बदल सकती हैं। ये मत कहना कि मानव जेल में है तो एक खाना भी तेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। अरे अर्जुन, ये क्या पागलपन है? तू कब समझेगी? मानव अब तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा है, तेरे और मानव के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। उसे भुलाकर तू अपनी जिंदगी आगे क्यों नहीं जी रही है? क्योंकि दादा नहीं सुननी मुझे वो तेरी घिसी पिटी बातें, वो तेरा पवित्र रिश्ता और ना जाने क्या क्या। अर्जुन तू शायद भूल रही है कि एक साल पहले दोनों परिवार तुझसे और मानव से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि रिश्ता मत तोड़ो, लेकिन तब तो तुम्हें महान बनने का शौक चल रहा था, और अब जब तुम दोनों का मिलना बिल्कुल ठीक नहीं है तो तुम दोनों का एक दूसरे पर प्यार उमड़ रहा है। बस अर्जुन माफ कर, हमें नहीं बर्दाश्त होता हम लोगों से। अरे हम आम लोग हैं, समाज में जीते हैं, समाज के नियमों का पालन करते हैं और उन्हीं के साथ जीना भी पसंद करते हैं। तुम दोनों का ये पवित्र रिश्ता हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। पर तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? अभी भी समय है, संभल जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तू बहुत पछताएगी।